मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा उन्होंने सिटी फॉरेस्ट, कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। बता दें कि सबसे पहले सीएम धामी ने हल्द्वानी में 172 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जबरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से जबरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भावर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस बांध से होगी। इसी बीच सीएम धामी ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बहुत लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना स्वीकृत हो इसकी सबको प्रतीक्षा थी और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे, 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं कि इस परियोजना के बन जाने से, जिसकी अब पूरी तरह से शुरुआत हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। आज जो प्रतिकर राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं उनको बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जल्द ही ये परियोजना को एक लक्ष्य लेकर 2029 तक ये योजना धरातल पर उतरे, इस योजना का काम पूरा हो जाए और इसके पूरा होने से जो आने वाले समय में अगले 25 सालों में 50 सालों में जो जल के क्षेत्र में जो पेयजल हो या सिंचाई का जल हो, जो एक चुनौती होने वाली है, एक संकट होने वाली है, उसका भी इस योजना के बन जाने से समाधान होगा। साथ ही जो भूजल, जिसका जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा था, वो जल स्तर भी थमेगा और पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से पूरे नैनीताल, उधम सिंह नगर, आसपास के क्षेत्रों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा।